स्वागत है आपका आपाइस के चैनल में। फ्रेंड, आज हम प्रीलिम्स 2020 की पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरनमेंट का वीडियो लेकर आए हैं। ये एनवायरनमेंट का वीडियो फ्रेंड आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित होने वाले हैं। इसमें से यदि आप एनवायरनमेंट को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव साबित होगा। इसको आप यदि सेकेंड टाइम रिविज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित होगा। और इसको यदि और भी ज़्यादा रिविज़न के लिए इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव आपके लिए साबित होने वाला है फ्रेंड। तो ये एनवायरनमेंट का सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें मोस्टली हमारा प्रयास है कि हम इसमें ऐसे पॉइंट डालें जो कि हमारे एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हों, तो सीधे सीधे जो स्टेटमेंट पूछे जाते हैं स्टेटमेंट में क्वेश्चन के, तो सीधे सीधे हैं उस टाइप से चीज़ें होती है। उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो क्वेश्चन जिस प्रकार से फ्रेम किए जा सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो उन चीज़ों पर हमारा विशेष स्पेशल तौर पर फोकस होगा। और बाकी उस पर ज़्यादा कुछ नहीं, इस पर विजुलाइजेशन के जरिए और डायरेक्टली जो इसमें हम इस वीडियो में हम ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट टॉपिक को ही कवर करेंगे। इस एनवायरनमेंट इसमें से हम जो कवर करेंगे टॉपिक होंगे अपने गृह से रिलेटेड, टेरी बायसम वन चैलेंज, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2019, सोलानम प्लास्टिसक्सम, आरोग्य पाचा, बांदीपुर टाइगर रिजर्व रिलेटेड, जल शक्ति स्टील के बारे में हम लोग बात करेंगे, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम के बारे में, काफ़ी इनोवेटिव स्कीम है इसके बारे में भी जाने का प्रयास करेंगे, HTBT का टर्न क्या है, SLICC, कैफे पेटा, मोजेक मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट वेव्स, इम्यूनो कंट्रासेप्टिव प्रोजेक्ट क्या है, वहीं NGT, और जो है तो हमने इकोनॉमिक्स की भी 750 सीरीज का पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया है। आप लोग उसको जरूर से जरूर देखें, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित होने वाला है फ्रेंड। और साथ ही साथ हमने और भी प्रीवियस करंट अपडेट हुए हैं वो भी आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वो है। तो फ्रेंड, अपना पहला टॉपिक है गृह, जो कि हाल ही में समाचार में बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है। तो हम गृह के बारे में जानने का प्रयास करते हैं फ्रेंड, कि आखिर गृह है क्या। ठीक है, तो पहली बात तो गृह के बारे में आप जानें कि इसका फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। क्या है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। फ्रेंड, आप लोग यहाँ पर शार्ट नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो गृह हो गया आपका। अब इसमें से देखें तो हाल ही में जैसे 10th समिट हुई थी नागपुर में, इसका हुआ था गृह का, तो इसके बारे में ये थोड़ा सा हम मेन मोटो जानने का प्रयास करके, आखिर है क्यों ये ना ग्रीन, इसका क्या टारगेट मोटो क्या है गृह का। तो गृह का मोटो कुछ नहीं, सिंपल सा आप लोग ये जाने कि जैसे ग्रीन बिल्डिंग आप लोग यहाँ पास देख रहे होंगे, ठीक है, तो ग्रीन बिल्डिंग्स जो होती हैं इनकी रेटिंग ये करती है, एग्जैक्ट जो आंकड़े होते हैं उन पे एग्जैक्ट मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो तो उनके क्या पैमाने होंगे, क्या किस किस बेस पे क्या क्या मेजरमेंट होंगे, है ना, किन किन पैमानों पे खड़े उतरने चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो तो ग्रीन रेटिंग देती है गृह। ठीक है, ग्रीन बिल्डिंगों के लिए ये तो होगा। अब थोड़ा सा हम इसकी थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देखने का प्रयास करें, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या है वो। ठीक है, तो आप लोग गृह के बारे में ये जान सकते हैं कि गृह जो है ये नॉन प्रॉफिट सोसाइटी है। क्या है? यानी गैर लाभकारी सोसाइटी है, संस्था है। ठीक है, अब बात करें कि ये जो नॉन प्रॉफिट सोसाइटी ये गृह है ये कैसे बनी, किस कैसे है, तो किस मतलब किसको किसने स्टेबलाइज किया था, तो इसके बारे में यदि देखें तो गृह को टेरी प्लस MNRE, क्या है MNRE, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, यानी कि टेरी के बारे में देखें तो टेरी क्या है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो टेरी और MNRE ने मिलकर के बनाया था गृह को। ठीक है, स्टेबलाइज किया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानें कि एक गृह काउंसिल भी काफ़ी मतलब कि चर्चित रहती है कि काफ़ी कैसे ये ग्रीन रेटिंग का जो इनका सिस्टम है तो कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो ये जो गृह काउंसिल होती है ना, तो ये ग्रीन बिल्डिंग को प्रमोट करती है। इसी जैसे ये गृह है तो इसी के गृह काउंसिल या गृह परिषद होती है जो कि ग्रीन बिल्डिंग इस टाइप की जो होती हैं इनको प्रमोट करती है। अब यदि इनके हम पैमानों के बारे में थोड़ा सा देखें कि किस प्रकार के पैमानों पर ये देती है, कैसे बिल्डिंग की रेटिंग देती है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया यदि, तो ये जो बिल्डिंग को रेटिंग देती हैं वो 34 क्राइटेरिया पर देती हैं। कैसे? यदि देखें कि यदि उनके जो यदि यहाँ पास 100 तक मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है, ये मार्क्स के अकॉर्डिंग जो होता है रेटिंग होती है। यदि मार्क्स बिल्डिंग को दिया है इसने 50-60 यदि मार्क्स दिया है तो इसका मतलब इसको देती हैं ये 1 रेटिंग दी जाती है इसको। ठीक है, 1 रेटिंग उस बिल्डिंग को मिलती है। यदि 60-70 मार्क्स उसको मिलता है बिल्डिंग को, मतलब कि 2 रेटिंग उसने दिया। और यदि 90-100 कितना, यदि 90-100 मार्क्स मिलते हैं किसी भी बिल्डिंग को तो उसको दी जाती है 5 रेटिंग। ठीक है,
फाइव रेटिंग होगी। इनके हम एक आध क्राइटेरिया के बारे में भी देख सकते हैं, जैसे कि किस प्रकार के क्राइटेरिया देखा जाता है ग्रीन बिल्डिंग की रेटिंग देने के लिए, जैसे कि कोई भी साइट का किस प्रकार से सिलेक्शन किया जाना चाहिए, वहाँ पर जो वाटर रिसोर्स किस प्रकार से उसका यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है, फ्लाई ऐश वगैरह का किस प्रकार से यूटिलाइजेशन होता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट जो है तो क्राइटेरिया जो डिसाइड होता है ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग के लिए। तो ये तो हमने आइडिया लिया है ग्रीन बिल्डिंग या नए गृह किस प्रकार से गृह काउंसिल जो है इसकी रेटिंग देती है, और गृह के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जाना। अब यदि हम देखें तो टेरी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि टेरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेरी और MNRE ने हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया है कि टेरी और प्लस MNRE, ठीक है, MNRE को भी आप लोग बहुत याद रखें क्योंकि इन्वायरमेंट में तो आए दिन चर्चे में रहता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो ये जो इन दोनों ने मिलकर के बनाया था इसको गृह को, तो यदि हम देखें टेरी के बारे में थोड़ा सा देख लें तो आखिर टेरी क्या है भाई, ठीक है, तो हमने यहाँ पर टेरी के बारे में डिस्कस किया, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है, टेरी आपकी। तो यदि इसके बारे में देखें तो टेरी जो है तो आखिर ये है क्या, तो ये आपकी नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, क्या है, गैर लाभकारी अनुसंधान के संस्थान है ये, ठीक है, यानी कि ये आपकी क्या है, नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बात आप लोग याद रखिएगा टेरी। और साथ ही साथ ये क्या काम करती है, ये ऊर्जा एनर्जी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, इस तरह की चीज़ों पर ये फोकस होती है, ठीक है, फोकस करती है एनर्जी इन्वायरमेंट और सतत विकास से लक्षित है ये। और यदि इसके बारे में थोड़ा सा देखें हम तो टेरी जो है ये 1974 में, कब, 1974 में इसे टाटा ऊर्जा अनुसंधान नाम से जाना जाता था, उसी के नाम से इसको इसकी स्थापना हुई थी, जिसे बदल करके 2003 में नाम इसका चेंज होकर के टेरी हो गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1974 में टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर 2003 में टेरी हो गया, यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये हुआ टेरी के बारे में। अब यदि हम थोड़ा सा इसी में डिस्कस कर लेते हैं कि IGBC के बारे में भी देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है, ठीक है, IGBC, तो IGBC क्या भाई, IGBC है इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, यानी कि ये क्या होती है ना कि ये जो आवासीय बिल्डिंग होती हैं इन पर इनका एक प्रकार से रेटिंग का कार्यक्रम इनका होता है, ठीक है, ये फर्स्ट रेटिंग देती हैं। जैसे कि इसके बारे में थोड़ा देखें कि किसका भाग है, तो ये CII का पार्ट माना जाता है। CII क्या है भाई, तो CII है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है, यानी कि औद्योगिक भारतीय औद्योगिक परिसंघ जो है उसी का ये पार्ट है IGBC, यानी कि इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। अब थोड़ा सा इन्हीं से ये मैं यहाँ पर थोड़ा इंस्टीट्यूट आप लोगों के माइंड में रहने चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं ये मिल जाते तो आप इनको इजिली समझ सकते हो और एलिमिनेट भी कर सकते हो, साथ ही साथ ये इंस्टीट्यूट के बारे में आप अपने मेन सेंसर राइटिंग में भी इनका जिक्र कर सकते हैं, ठीक है, तो आपके जो आंसर होते हैं उनका वेटेज भी बढ़ जाता है कि किस टाइप से जो है तो ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड जो हमारे संस्थान है वर्क कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा इसी से रिलेटेड हम एक और देखें, लीड, इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, क्या है लीड भाई, LED नहीं LEED है, लीड इंडिया। तो लीड इंडिया की बात करते हैं तो लीड इंडिया है लीडरशिप इन एनर्जी एनवायरनमेंट डिज़ाइन, क्या है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन। इसके बारे में देखें तो जो लीड है इसे किसने स्थापित किया, विकसित किया है, इसे इसी IGBC ने डेवलप किया है, इसलिए लीड का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। और लीड के बारे में और भी जाने हम तो ये जो है तो ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग कार्यक्रम, ये भी एक प्रकार से उसी प्रकार से ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग का कार्यक्रम है जो कि लीड के द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। और यदि इसके बारे में देखें कि जो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, ठीक है, ये लीड जो है ये एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन एज इक्विवेलेंट US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। और ये जो है तो एक प्रकार से व्यवहारिक ग्रीन बिल्डिंग जो होती है उसके लिए एक प्रकार से फ्रेमवर्क ये तैयार करता है। सिर्फ इतना ही जाने कि जो लीड होती है ये जो बिहेवियरल ग्रीन बिल्डिंग एक्चुअल तौर पर जो होती हैं उनके लिए किस प्रकार से जो फ्रेमवर्क होते हैं वो तैयार किया जाता है लीड के द्वारा, ठीक है। तो ये हुआ आपका लीड, और इसी संबंधित एक और हम ग्रीन बिल्डिंग से संबंधित ही और एक संस्थान के बारे में थोड़ा जान लें कि मतलब कि क्या है ये, एक एनर्जी सेविंग बिल्डिंग कोड भी आप लोगों ने सुना होगा, क्या, एनर्जी सेविंग बिल्डिंग कोड, ठीक है। तो एनर्जी सेविंग बिल्डिंग कोड क्या है आपका, इसको जो है तो BEE के द्वारा इसे डेवलप किया है, क्या है, एनर्जी सेविंग बिल्डिंग कोड को, ठीक है, यानी BE क्या है, तो अब थोड़ा सा हम BEE के बारे में जान लेते हैं। तो आपका BEE है ब्यूरो ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग याद ही रखिएगा कि BEE आपका है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये आप लोग याद रखिएगा कि BEE क्या है। तो जो एनर्जी सेविंग बिल्डिंग कोड है इसको BEE के द्वारा डेवलप किया गया है, जो बी जो है ये ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आता है, याद रखिएगा कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आता है। अब
आखिर ये एनर्जी सेविंग बिल्डिंग कोड जो है ये एक ऊर्जा का बेहतर प्रयोग और संरक्षण के लिए फोकस्ड है, जो कि जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होते हैं उनके लिए एक मिनिमम जो एनर्जी का स्टैंडर्ड होता है वो सेट करने के लिए ये हेल्पफुल होता है, उसके लिए फोकस करती है। ठीक है, इसके साथ ही थोड़ा सा हम एक और इसी से रिलेटेड जान लेते हैं कि इको निवास पोर्टल भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। तो इको निवास पोर्टल के बारे में थोड़ा सा देखें, तो ये इको निवास पोर्टल जो है तो ये भी एनर्जी कंजर्वेशन न्यू इंडिया वे फॉर अफोर्डेबल सस्टेनेबल होम्स से रिलेटेड है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है इको निवास का, तो इको तो आपको पता ही होगा, तो इको के बारे में देख ले कि एनर्जी कंजर्वेशन इसका ये सेंस है। ठीक है, इको का क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन, और जो निवास मतलब क्या है, निवास मतलब न्यू इंडियन वे फॉर अफोर्डेबल सस्टेनेबल होम्स। ठीक है, तो ये एक प्रकार से फोकस किस में करता है, ये जो सतत बिल्डिंग और ऊर्जा की एफिशिएंसी जो होती है घरों में किस प्रकार से हो, उसके लिए अवेयरनेस लोगों में जगाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए जो होती है बी के द्वारा ये डेवलप किया गया है इको निवास पोर्टल। ये भी याद रखिए कि इंपॉर्टेंट है, इको निवास पोर्टल किससे रिलेटेड, किसने डेवलप किया है, तो उसको बीईई ने ही डेवलप किया, यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, ये तो हो गया इनसे रिलेटेड। हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपना नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड बालसम से रिलेटेड है, ये आप लोगों ने इसे देखा भी होगा बालसम। थोड़ा सा राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि स्क्रीन छोटी है तो उसमें थोड़ी राइटिंग सही नहीं आ रही है, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज को गेन करने का प्रयास करिएगा, है ना, यहाँ से नॉलेज लेने का प्रयास करिएगा, और मेरे शब्दों पे स्पेशल ध्यान रखिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि बालसम क्या ये हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा है न्यूज़ में। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये है बालसम का इमेज, तो इससे आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये क्या है बालसम। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इसके चांसेस है कि पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो पूछा कि हाल ही में जैसे ही बालसम की जो नई प्रजातियां 20 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। ठीक है, तो स्पेशली ज़्यादा यूपीएससी पूछ सकता है, ये सीधा सीधा स्टेटमेंट दे सकता है कि कहां पास इसको मतलब खोजा गया है ना। तो इसकी जो 20 नई प्रजातियां खोजी गई हैं या मिली हैं, तो ये जो मिली हैं तो ये कहां मिली हैं कि आपके ईस्टर्न हिमालयस में। ठीक है, कहां पास मिली हैं, यानी कि पूर्वी हिमालय में बालसम की 20 नई प्रजातियां देखी गई हैं। ठीक है, ये तो है। अब स्पेशल आखिर इतना ज़्यादा ये मतलब क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि पहले पूर्वी हिमालय तो देखें, ये और भी इसको हम और लोकेशन पे जाने का प्रयास करें तो पूर्वी हिमालय के पास या सिक्किम अरुणाचल के पास, इसको और भी ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये है, यहाँ पास बालसम मिला है, और ये स्पेशल तौर पर इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज जो होते हैं ना, तो क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि इंडिकेटर का काम करते हैं, इसीलिए बालसम जो है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए काफ़ी ज़्यादा संवेदी होते हैं, इसलिए बालसम के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए। टॉपिक है SLACC। ठीक है, SLACC क्या है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये जो SLACC है तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है, तो ये जो है अपना एक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान पंचायती राज, यानी कि NIRTPR। ठीक है, इसने जो है तो SLACC आधारित जो न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम और सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इस पॉइंट ऑफ व्यू से, हम यहाँ पास बताना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पास पूरा एक स्किल्स रिलेटेड भी है ना, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज को भी फोकस करता है। तो ये जो NIRTPR यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज संस्थान ने इसको जो है तो एक प्रोग्राम और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि लगभग 200 सर्टिफिकेट क्लाइमेट स्मार्ट या कि कम्युनिकेशन रिसोर्स पर्सन्स इस टाइप से कैडर बनाया जाएगा इसमें, और 100 जो यंगस्टर्स हैं उनकी टीम एक प्रकार से बनाई जाएगी परफॉर्मेंस के लेवल पे। तो ये जो तो इसमें फोकस्ड होगा, और मोस्टली यदि बात करते हैं तो ये जो मतलब कि इसकी फंडिंग की बात की जाए तो जो SLACC है ना, तो SLACC की जो फंडिंग की जाएगी तो वो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड के द्वारा की जाएगी, है ना, यानी कि SCCF स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड जो है तो इसके द्वारा जो है तो इसको फंड उपलब्ध कराया जाएगा, और जिसमें से UNFCCC के तहत जो है ये SCCF काम करता है। याद रखिएगा कि UNFCCC आप लोगों ने नाम इसका सुना ही होगा, बहुत फेमस हुआ है ना, तो SCCF जो है तो इसको फंड उपलब्ध कराएगी, और SCCF जो है तो UNFCCC के तहत कार्य करती है, इसके अंडर में कार्य करती है। ठीक है, अब यदि इसमें हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करें कि ये जो है ना, तो स्पेशल तौर पर ये अपना जो SLACC प्रोग्राम जो है तो ये मनरेगा, ध्यान रखिएगा, मनरेगा प्लस महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, यानी कि वीमेन को भी वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको भी, प्लस अदर जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वगैरह उनको भी ये इंप्लीमेंट करती है। ये कौन सी, SLACC, यानी कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, इसको फोकस्ड करती है। अब यदि हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं जानने का NIRTPR क्या है। ठीक है, तो NIRTPR जैसे कि हम लोगों ने इसके बारे में देखा कि क्या है, स्पेशल तौर पर देखा जाए तो यह राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हैं कि नेशनल इसमें यदि हम इस पर देखते
सकते हैं स्पेशल तौर पे, तो ये अपना जो NIRDPR है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, यानी कि एक स्वायत्त संगठन है। याद रखिए कि प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस तरह का डायरेक्ट स्टेटमेंट ही UPSC डाल देता है। तो ये एक स्वायत्त संगठन है, ठीक है, NIRDPR प्लस ये जो है तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एक कर से सपोर्ट किया जाता है इसको, है ना, यानी कि स्पेशल तौर पर ये जानिए क्या कि जो अपना रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं तो स्पेशल तौर पर ये जो है तो जो विलेजेस डेवलपमेंट होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी वो होते हैं रिसर्च है, ट्रेनिंग है, सजेशंस है, उससे रिलेटेड ये कह सकते हैं कि एक एपेक्स बॉडी की तरह काम करती है NIRDPR, ठीक है, ग्राम विकास से संबंधित जो भी होते हैं। तो ये आपका है NIRDPR से रिलेटेड और SLAC यानी सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड एडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है कैफे। क्या है कैफे भाई? तो यदि हम देखें कि कैफे मतलब इन द सेंस ऑफ कि कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी या इकोनॉमी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम देखें कि जो कैफे है ये क्या है कि पेट्रोल डीजल वगैरह जो है तो LPG LNG या अन्य यात्री वाहन है उन सब के लिए जो है तो एक प्रकार से लागू होता है, एक साथ ही लागू होता है, इंटीग्रेटेड तरीके से एक अप्रोच है। यदि आप देखें तो ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2017, ठीक है, 1 अप्रैल 2017 से पूरे भारत में जो है इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब यदि देखें इसका मोटो क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है इसका, तो यदि हम इसके बारे में देखें तो ये जो कैफे रेगुलेशन है ना, ये वाहनों के लिए तो रेगुलेशन ये बनाया गया है, तो इसका जो लक्ष्य है तो जो CO2 का जो एमिशन होता है यानी कि कार्बन डाई जो ऑक्साइड का एमिशन होता है उसको कम करना इसका लक्ष्य है, प्लस जो फ्यूल होती है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, ठीक है, यानी कि जो ईंधन है उनकी दक्षता को बढ़ाना, प्लस और भी देखें तो जो फ्यूल का जो कंजम्पशन है वो घटाना, याद रखिएगा कि CO2 के उत्सर्जन को कम करना, फ्यूल की जो दक्षता है उसको बढ़ाना, और जो फ्यूल ज़्यादा मतलब कि उसकी खपत होती है तो उसको कम करना, उसको और भी ज़्यादा कंजम्पशन को कम करके और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना, है ना। तो ये तो इसके लक्ष्य के तौर पर देखा गया है जो CAFE है। तो अब इसमें से यदि हम थोड़ा सा देख लें तो हम कॉर्पोरेट एवरेज के बारे में थोड़ा देखते हैं, इसी के उस पर इसी का फुल फॉर्म ही है कि कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। तो ये कॉर्पोरेट एवरेज क्या है, तो कॉर्पोरेट एवरेज के बारे में यदि हम थोड़ा सा देखें तो जैसे कि क्या होता है कि जैसे हर ऑटो विनिर्माणकर्ता जो होते हैं उनके सेल्स वॉल्यूम वेटेज एवरेज जो होते हैं उसके तौर पर इसको देखा जाता है ना, सभी के एक एवरेज के तौर पर जो विनिर्माणकर्ता कंपनीज वगैरह हैं ऑटो के ना, ऑटो विनिर्माणकर्ता हैं तो उनके तो इससे रिलेटेड जो है तो कॉर्पोरेट एवरेज है। अब इनके जो नाम्स होते हैं ना, तो नॉर्म्स के बारे में जैसे देखते हैं कि इनका इसमें देखें तो जो एवरेज कॉर्पोरेट जो होता है वो CO2 को उत्सर्जन वाहन क्या होता है कि 2022 तक क्या है 2022 तक जो है तो 130 ग्राम प्रति किलोमीटर, ये इसका एक नॉर्म्स है, एक कह सकते हैं कि एक टारगेट इसको मान सकते हैं हम लोग कि जो एवरेज कॉर्पोरेट जो है ना, यानी कि एवरेज कॉर्पोरेट यानी कि जो हर ऑटो विनिर्माण करता है उनके जो सेल्स वॉल्यूम है ना उसके वेटेज को एक उसके वेटेज का एक एवरेज है। तो ये जो एवरेज कॉर्पोरेट है CO2 उत्सर्जन के लिए, तो ये वाहनों में जो इसका लक्ष्य हासिल करने का रखा गया है कि 2022 तक वो जो 130 ग्राम प्रति किलोमीटर से कम हो, और साथ ही साथ आगे इसको और ही बढ़ा करके मतलब और एफिशिएंट बना करके 113 ग्राम प्रति किलोमीटर तक से भी कम लाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। एवरेज कॉर्पोरेट CO2 जो उत्सर्जन होता है तो उसके उत्सर्जन को 2022 तक 130 ग्राम प्रति किलोमीटर तक करना, है ना, 1 किलोमीटर 130 ग्राम तक उत्सर्जन हो CO2 का, और उसके बाद फिर और उसको आगे एफिशिएंट बढ़ा करके 113 ग्राम प्रति किलोमीटर तक ले जाना, ठीक है, या उससे भी कम। तो ये इसके नाम से, और थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे तो 2022 से जो कारों को इसमें देखें थोड़ा सा कि एक और लक्ष्य है कि 2022 तक जो कार हैं कार वगैरह उसको 30% तक फ्यूल एफिशिएंट बना देना है, 30% से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनाना है 2022 से कारों को, ठीक है, ये भी एक लक्ष्य है। यदि हम बात करें कि 2017 से 21 तक का भी एक और मोटो रखा गया कि 2017 से 21 तक जो है तो 10% जो फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो CO2 यानी कि फ्यूल को इतना एफिशिएंट बना देना कि CO2 का एमिशन कम हो, तो ये भी इसका एक लक्ष्य है कि 2017 से 21 तक 10% तक इसको एफिशिएंट बना देना कि CO2 को उत्सर्जन कम से कम हो, और 2022 तक कारों से ये जो फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ा करके 30% से ज़्यादा करना है, ये इसका मोटो है। यदि हम इसी से रिलेटेड यदि ये जो CO2 उत्सर्जन होता है तो इससे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, और डिफरेंट आप लोग देखा कि दिल्ली में किस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है, कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है ना। तो हम इसमें से थोड़ा सा और भी यदि देखें तो कुछ और भी क्या कदम उठाए जाते गए हैं सरकार के द्वारा पॉल्यूशन से रिलेटेड, जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, CO2 उत्सर्जन से को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। तो और भी जैसे गवर्नमेंट ने हम यहाँ पास अपने भारत में देखा जाए तो BS5 के हमने स्टेप को डायरेक्ट हम जंप करके हमने डायरेक्ट BS6 पे रखने चलने का वो किया है, BS4 से डायरेक्ट BS6 पे भारत जंप करने का वो किया है।
है तो ईद हम इस पर देखें तो जो BS6 अप्रैल हालांकि 2020 से लागू करने की बात है, अब फिलहाल तो ये महामारी का वो है, लेकिन इस पर से देखें थोड़ा सा हमें ये आइडिया होना चाहिए कि ये BS6 जो है तो हम थोड़ा सा फेम के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। फेम भी इसी से संबंधित ही है। फेम की बात करते हैं तो फेम का फुल फॉर्म होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। याद रखिएगा क्या है, फास्टर एडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। तो ये एक स्कीम है, इसके तहत क्या है कि 2030 से एक बड़े लेवल ब्रॉड लेवल पे क्या करना है कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन है उनके प्रयोग को बढ़ाना, ये इसका टारगेट है फेम का। आप लोग सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो फेम है ये 2030 तक 2030 से जो एक ब्रॉड लेवल पे जो है इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल है उनके प्रयोग को बढ़ाना है, और डीजल और पेट्रोल वगैरह जो इससे चल रहे हैं तो इनको कम से कम करना है, क्योंकि वैसे भी जो तो ये इनकी मतलब कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है, और पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वो देखने को मिलता है, पेट्रोल डीजल इनसे भी ईंधन चल रही है ना, और हमारा रेवेन्यू डेफिसिट तो है ही, तो इसलिए जो है तो ये मोटा मोटा इसका आप लोग याद रखें कि ये फेम का टारगेट है। तो ये हुआ, अब हम आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, पेटा। ये भी आए दिन चर्चा में रहता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि पेटा क्या है। यदि पेटा के बारे में आप लोग जाने तो इसका मेन मतलब कि फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यदि आप देखें कि जो पेटा है, ठीक है, तो पेटा जो है इसे 1980 में अमेरिका में स्थापित किया गया था। जानवरों के अधिकार का वर्ल्ड लार्जेस्ट सबसे बड़ा संगठन माना जाता है, ठीक है। ये अमेरिका की एक प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं कि एक एनजीओ टाइप का है, बहुत बड़ा एनजीओ है जो ग्लोबल लेवल पर बात करते हैं, तो जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके राइट्स की बात ही करता है पेटा, ठीक है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऐसा संगठन है जो जानवरों के हितों के लिए टोटली फोकस्ड है, ये ऐसा एनजीओ है। इसके यदि हम स्लोगन के बारे में थोड़ा सा जान लें तो इसका ध्येय वाक्य ही है कि जानवर हमारे खाने पहनने प्रयोग या मनोरंजन आदि के लिए नहीं है, ठीक है। ये इसका मतलब कि स्लोगन या थीम इसकी है। अब बात करते हैं कि इसके मतलब कि हमने बहुत मतलब ये भी देखा कि जैसे कि ये एक प्रकार से जो एनिमल्स होते हैं उनके अगेंस्ट यानी किसका किसका विरोध करता है, जैसे कि फैक्ट्री फार्मिंग होती है, या जैसे कि अभी चर्चित भी रहा कि पोल्ट्री आदि में जो तो छोटी जगह पे चिकन वगैरह रख दिया जाता है, स्लैटरों में रखे जाते थे उनको बहुत ज़्यादा, तो उनको गैपिंग के लिए भी है ना, तो ये भी है। साथ ही साथ जो तो फर फार्मिंग के लिए भी, जैसे कि पालकों इनके जानवर के उससे फर बेचने के लिए भी जो तो इसने मतलब वो किया था है ना, विरोध किया था। और जानवरों के प्रयोग के लिए या मनोरंजन के लिए इन उस पर भी यदि जानवरों का प्रयोग होता तो ये विरोध करता है। तो ये जो तो पेटा एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो जानवरों के हितों के लिए एक प्रकार से जिस प्रकार से ह्यूमन राइट्स पूरे उस पर है, तो उसी तरह से ये जानवरों के हितों की बात करता है पेटा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फ्रेंड, ये तो इसके लिए कह सकते इसके चांसेस प्रीलिम्स से पूछे जाने के ज़्यादा हैं। ये जो आपका जो है मोज़ेक मिशन, ठीक है, तो ये मोज़ेक मिशन आप लोगों को याद है, ये सीधा सीधा स्टेटमेंट पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चित रहा मोज़ेक मिशन संबंधित है, ठीक है, मोज़ेक या मोज़ेक मिशन ये संबंधित है, तो ये भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि आखिर ये क्या है मोज़ेक मिशन, ठीक है। तो ये ध्यान से सुनिएगा कि जो मोज़ेक मिशन है ये 17 देशों के साइंटिस्ट जो है, तो 17 देशों के वैज्ञानिकों का एक कर सकते हैं कि साझा ये प्रयास है कि किस लिए उन्होंने क्या किया है कि एक आरवी आप लोग यहाँ पास देख भी रहे होंगे, एक ये सिप है, इस सिप का क्या नाम है आरवी, यहाँ पास देखेगा कि ये जो सिप है आरवी पोलरस्टन सिप, ठीक है। तो आरवी पोलरस्टन सिप जो है ये आरवी पोलरस्टन सिप, इस सिप के उस पर मतलब इस सिप से आर्कटिक सी, कहाँ आर्कटिक सी में जाएंगे 17 देशों के वैज्ञानिक जो हैं, तो इस आरवी पोल ये जो आरवी पोलरस्टन सिप है इससे आर्कटिक उस पर जाएंगे और क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो है तो वहाँ पास रिसर्च करेंगे, ठीक है। और अभी यदि मैं बताऊं कि जो आरवी पोलरस्टन ये सिप जो है तो ये जर्मनी का एक प्रकार से आइस ब्रेकर जहाज माना जाता है, ठीक है, यानी कि जो बर्फ वगैरह होती है उनको तोड़ने का काम करती है, ये जर्मनी का सिप है। तो ये जो 17 देशों के वैज्ञानिक जाएंगे तो ये क्लाइमेट चेंज संबंधित जो है तो आर्कटिक सी में जाकर के अध्ययन वहाँ करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके प्रयोग के तौर पर हालांकि आप लोग मतलब कितना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत है लेकिन फिर भी आइडिया होना चाहिए कि ये जो सिप है ना तो वहाँ आर्कटिक सी में जाएगा, वहाँ पास रुकेगा कुछ समय के लिए, इसके बाद क्या होगा कि इसमें साल भर एक प्रकार से बर्फ जमने दिया जाएगा ना, वहाँ पास वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो वहाँ इस सिप में बर्फ जम जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि अस्थायी तौर पे वहाँ पास साइंटिस्ट क्या करेंगे कैंप बनाएंगे उस पर, और आर्कटिक सी पर जो है तो क्लाइमेट चेंज संबंधित जो भी इफेक्ट पड़ रहे हैं उनके उस पर रिसर्च करेगा, ठीक है। इस मिशन को जो है तो यदि बात करें कि उस पर फंडिंग के तौर पर देखा जाए तो अमेरिका हो गई, नासा, अमेरिका के जो नासा संस्थान है उससे जो है इसको फंड प्राप्त हो रहा है, और अन्य भी संस्था जो है उसके लिए मतलब कि भागीदार है।
तो ये है मोस्टली, आप लोग इतना याद रखिएगा कि जो मोजेक मिशन है ये आर्कटिक से में क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो है तो रिसर्च के लिए जो है तो ये मिशन है, 17 देशों के वैज्ञानिकों ने मतलब वो किया था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि हीट वेव के बारे में। हीट वेव जो है तो ये तो चर्चा में ही रहता है, तो ये आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के उस पर भी है और बेसिक भी इन्फॉर्मेशन इतनी तो होनी चाहिए, है ना। तो यदि हम हीट वेव के बारे में जाने थोड़ा सा, कि जैसे कि अपना जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो है पुणे, यानी कि आईआईटीएम पुणे ने क्या कहा कि हीट वेव्स से संबंधित जो है तो जैसे कि पूर्वानुमान तो लगाता ही रहता है ना अपने मौसम संबंधित जो भी है, तो उसके लिए जो वो तंत्र डेवलप किया था ना, इसके जो हीट वेव्स है उसके पूर्वानुमान के लिए यानी उसके फॉरकास्टिंग के लिए एक ऐसा टूल्स विकसित किया था, उससे संबंधित ये है कि जो वो ऐसा टूल्स है कि वो रियल टाइम या एक्स टेंडेंस यानी प्रेडिक्शन उसकी पूरी तरह से एक पूर्वानुमान सटीक पूर्वानुमान लगाने के लिए सक्षम होगा। ये बात करके 70% एक्यूरेसी के साथ जो है तो ये इसका पूर्वानुमान हीट वेव्स का लगाने में सक्षम है, ये ऐसा टूल्स इन्होंने बनाया है हीट वेव्स से संबंधित। तो इसे 2017 से हालांकि आईएमडी प्रयोग में तो ला रहा है, लेकिन यदि इसमें हम देखें तो इसी के आधार पर जो तो आंकड़े आईआईटी पुणे ने जो उसे दिए थे हीट वेव से रिलेटेड 1981 से लेकर 2017 के बीच के जो आंकड़े ये हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जाने, थोड़ा इसके ट्रेंड में समझने में थोड़ा सा आसानी भी होगी। कि देखें कि 1981-2017 के जो आंकड़े आए तो उसके आंकड़ों में कुछ मतलब कि रिजल्ट ऐसे देखे गए कि जो भारत का जो नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है, ये जो आंकड़े हैं तो इसमें देखें कि जो भारत का जो नॉर्थ वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट के, और इसमें से इंक्लूड कर दिया कोस्टल रीजन को, ठीक है, कोस्टल रीजन भी इंक्लूड है। तो इन तीन क्षेत्रों पे कहाँ कहाँ, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और कोस्टल रीजन में सबसे ज़्यादा हीट वेव आते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ हीट वेव आते हैं इन तीन क्षेत्रों पे भारत के। यहाँ गर्मी में भी लगभग 8-10 दिन जो है तो हीट वेव्स चलती रहती है। यदि हम हीट वेव्स के बारे में थोड़ा सा जानें, हीट वेव्स देखें तो हीट वेव्स ऐसा क्षेत्र है जहाँ पास मैक्सिमम 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। कितना? 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जहाँ मैक्सिमम होता है वो क्षेत्र हीट वेव्स का क्षेत्र होता है, या 47 डिग्री सेल्सियस प्लस भी हो तो खतरनाक स्थिति मानी जाती है, ठीक है। तो यदि 45 डिग्री सेल्सियस उससे ज़्यादा मैक्सिमम हो तो ये हीट वेव्स की स्थिति है, और यदि 47 या उससे भी ज़्यादा हो तो ये सेवर कंडीशंस होती है हीट वेव्स की, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया इससे रिलेटेड। अब यदि हम चले अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी थोड़ा सा आप लोग इन्फॉर्मेशन के तौर पे इसको पता होना चाहिए कि जो अपना MOEFCC, क्या MOEFCC यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो अपना है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो ये अपना मिनिस्ट्री है, इसने जो तो इम्यूनो कंट्रासेप्टिव मेजर का एक प्रकार से प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। क्या है? इम्यूनो कंट्रासेप्टिव, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में होनी चाहिए। इम्यूनो कंट्रासेप्टिव जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो इसके बारे में क्या है इम्यूनो कंट्रासेप्टिव प्रोजेक्ट? तो कुछ नहीं, ये उत्तराखंड में हालांकि इसकी शुरुआत हो गई है। ये जो इम्यूनो कंट्रासेप्टिव जो प्रोजेक्ट है तो इसके तहत जो जैसे देख सकते हैं कि जैसे बंदर है, हाथी है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मतलब कि कृषि वगैरह और अन्य से काफ़ी नुकसानदायक भी हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन्हीं की आबादी को कंट्रोल करने के लिए ये इस पर्यावरण मंत्रालय ने जो है तो ये कदम उठाया है, इम्यूनो कंट्रासेप्टिव प्रोजेक्ट मेजर उठाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें मोस्टली ये किसके किसके लिए ये जान लीजिए आप लोग, तो ये मोस्टली जो है तो हाथी के लिए है, हाथी के लिए है, और बंदर के लिए भी इसको इंक्लूड किया गया है, प्लस नीलगाय और प्लस वाइल्ड बोल इट मीन्स जंगली सुअर, ठीक है। ये चार जो एनिमल्स हैं, चार एनिमल्स को ये कवर करता है ये इम्यूनो कंट्रासेप्टिव मेजर्स के तहत, ताकि इनकी जो आबादी बढ़ रही है तेज़ी से इसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो ये तो इसके लिए स्पेशल तौर पे इम्यूनो कंट्रासेप्टिव मेजर्स हो गए। अब यदि देखें तो भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये इस पर हम लोग देखें यानी कि अपना WII इट मीन्स कि नेशनल इम्यूनोलॉजी संस्थान अपना हो गया, और जो अपना वाइल्ड लाइफ संस्थान है मतलब कि भारतीय वन्यजीव संस्थान है, तो इन दोनों ने मिलकर के इस ये एक प्रकार से इसके लिए जो है प्रोटोकॉल बनाया हुआ है ऐसे इम्यूनो कंट्रासेप्टिव मेजर के लिए, ठीक है। तो इससे एक प्रकार से ये फायदा होगा कि जो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है जिस प्रकार से, तो या तो जानवरों को ज़्यादा मारा जाता है, ठीक है, तो बिना ये जो सिस्टम ये ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो जानवर ये आबादी बढ़ रही है तो इनकी आबादी को बिना जानवरों को मारे हुए ही इनकी जो पॉपुलेशन इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये ज़्यादा अच्छा इसमें माना जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो चार प्रजातियाँ हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जैसे नीलगाय की बात करते हैं हाल में, जैसे कि देखा गया कि बिहार में जो तो बहुत ज़्यादा किसानों खेती को इसने नुकसान किया था, बंदर भी हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान मतलब कर रहे थे, है ना, तो ये भारी तबाही मचाते। तो ये जो है तो राज्यों ने इन्हें जो है तो एक प्रकार से वर्णन यानी कि हानिकारक
श्रेणी के जीव में घोषित करने की बात की थी वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 के तहत। तो इसीलिए केंद्र से जब उन्होंने बोला था तभी जो है इसके लिए जो ये मतलब कि प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ गई थी, है ना। और ये भी याद रखें कि जो वर्णन की बात करते हैं यानी कि हानिकारक जीव या जिसको मारने योग्य घोषित करने की बात है, तो ये स्टेट के पास पावर नहीं बल्कि ये अथॉरिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। याद रखिएगा, वो जब डिक्लेयर करेगा गवर्नमेंट तब किसी जीव को मार सकते हैं, 19 जो अपना वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 के तहत, ठीक है, वर्णन घोषित करने के बाद। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं WII के बारे में, थोड़ा जान लें हम लोग, ठीक है, कि WII क्या है। तो WII यदि बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है यानी कि स्वायत्त संगठन है, स्वायत्त संस्था है, ठीक है। WII यानी कि अपना भारतीय वन्यजीव संस्थान, ये एक स्वायत्त संस्था है। ये साथ ही साथ जो है तो MOEFC यानी कि हमारा पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करता है, ठीक है। ये आपका पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, देहरादून। याद रखिए कि हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो नॉर्मल वनडे एग्जाम में भी या PCS स्टेट वगैरह के उस पर पूछ दिया करता है इजली। तो इसका जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में, देहरादून में भी यदि बात करते हैं तो चंद्रवाड़ी में, ठीक है। तो ये एक प्रकार से WII जो है तो ये एक रिसर्च करता है, रिसर्च के क्षेत्र में, साथ ही वन्यजीवों के प्रबंधन, उनके पारिस्थितिकी, उनकी एथिकल और एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हों तो उसके लिए एक प्रकार से ये रिसर्च वगैरह करता है, ठीक है। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और एक चर्चित रहा है इस पे से मोस्टली ये इसमें देख सकते हैं हम लोग, है ना। और बस ये हुआ।